फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक है। तो आज एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। तो आज मैं रात में ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सरफराज बैठा है, उसको नींद आ रहा है। नींद आ रहा है, सोना है। तो अभी 10 बज गया है। तो रात में मैं ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। कल है मिल्लतुल नबी, तो नबी का कल जन्मदिन है, तो इसीलिए कुछ डेकोरेशन करना है। तो अभी मैं डेकोरेशन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं लाइट निकल के रख दिया हूँ। अभी मैं जो फेरी लाइट है और एक बल्ब है वो भी मैं लगाऊंगी, रख दिया हूँ निकल के। तो अभी चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सरफराजी बैठा है, उसको भी लगाना है फेरी लाइट, देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए सरफराज निकल रहा है फेरी लाइट। तो यहाँ पे लाइट निकाल के अभी लाइट लगाऊंगी। काम करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। तो ये पुराना लाइट है, उसी को लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए बेटा, मैं पकड़ो, मैं लगाती हूँ। ये मोबाइल पकड़ो इसे। तो ये बल्ब तो गर्म हो गया होगा। मैं दिखा नहीं दे रहा मामा। हो गया, लग गया ना। हाँ। तो हमारा ये लाइट लग गया है। तो यहाँ से मेरा हस्बैंड आ गया है ड्यूटी से, और यहाँ पे देखिए मैं अभी ये लाइट लगा दिया हूँ, फेरी लाइट। अभी इस रूम में मैं डेकोरेशन करूँगी, यहाँ पे करूँगी, इसी यहाँ पे मैं लगाऊँगी, उस डेकोरेशन करूँगी यहाँ पे। दिख रहा है ये देखिए, कितना सुंदर दिख रहा है ना। वाह माशाल्लाह, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मिल्लतुल नबी के दिन पे स्पेशली लगाया हूँ। और यहाँ पे देखिए लाइट ऑन कर दिया हूँ, अंदर में कैसे दिख रहा था। कहाँ से खोला है वो चार्जर? तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। तो रात में मैं ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो अभी सुबह हो गया है, अभी 9:30 हो गया है। अभी मैं दोपहर के लिए खाना बनाऊँगी। क्या क्या बनाऊँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। क्या क्या मैं बनाऊँगी आज, कौन सा डिश बनाऊँगी वो सब शेयर करूँगी। जितना हो सके मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी, जितना मैं रेसिपी शेयर कर पाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, रात में जो लाइट लगाया था ना, कितना सुंदर दिख रहा है। मेरा बेटा का तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गया है मेरा बच्चा। तो छोटा बच्चा बच्चा है ना, बहुत खुश होता है जल्दी जल्दी। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लाइट चमक रहा है, और बहुत खुश लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं भी, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब आज कुछ स्पेशल है इसीलिए लग रहा है। अगर लाइट के बिना, लाइट अगर नहीं लगाते तो ऐसे नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमारा घर कैसा घर है, कैसे करके डेकोरेशन किया था। तो ये देखिए हमारा घर, ये कितना सुंदर दिख रहा है ना। ईद है, मिल्लतुल नबी का जन्मदिन है, नबी का जन्मदिन है। स्पेशली कुछ बनाऊंगी आज, तो स्पेशल तो कुछ बनाना बनता है। तो अब मैं आज क्या बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्या क्या बनाऊंगी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कुकर में प्याज डाल दिया हूँ, अभी बनाऊँगी बिरयानी। तो पहले बिरयानी बना, तो यहाँ पे मैं सब काट लिया हूँ, प्याज, टमाटो, यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट काट लिया हूँ, ये सब मैं काट लिया हूँ। अभी मैं बनाऊँगी, ये पहले बिरयानी बना लेती हूँ और इसके बाद बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं बनाऊँगी जर्दा। तो यहाँ पे कढ़ाई ले लिया हूँ और 1 टीस्पून भर के घी डाल दिया हूँ। पहली बार बना रही हूँ जर्दा, पता नहीं कैसे बनेगा, बना पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो कैसे बनता है, कैसे करके मैं बनाऊँगी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं घी डाल दिया हूँ 1 चम्मच भर के। तो उसके बाद डाला हूँ बादाम, किशमिश, काजू और थोड़ा सा भून लिया हूँ। उसके बाद डाला हूँ मैं पिस्ता, थोड़ा सा भून लिया हूँ अच्छे से, ज़्यादा नहीं भूनना है नहीं तो जल जाएगा। थोड़ा सा भून लिया हूँ। अभी देखिए डाल दिया हूँ चावल। तो यहाँ पे देखिए चावल भी थोड़ा सा मैं भून लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैं चावल आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको भून के उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध, 1 कप दूध डाल रही हूँ। तो क्योंकि मेरा चावल है ना वो कम चावल है, 1/2 कप चावल बना रही हूँ, क्योंकि मीठा चावल है ना, जर्दा है ना, पहले कभी नहीं बनाया हूँ, तो इसीलिए मैं डर डर के बना रही हूँ। तो पता नहीं कैसे बनेगा, अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, इसीलिए मैं कम करके बनाया हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जर्दा कलर डाल दिया हूँ और स्वाद अनुसार
चीनी डाल दीजिएगा जितना मीठा खाते हैं। तो मेरा हस्बैंड मेरा बेटा को उतना मीठा पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने कम करके डाला चीनी। 4 टेबल स्पून चीनी डाला हूँ बस, और ज़्यादा नहीं डाला। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक दिया था और देखिए गिर गया है। तो अभी मैं इसको ढक्कन हटा के अभी पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी गोश्त भुना। तो यहाँ पे कुकर डाल दिया हूँ और यहाँ पे मैं लिया हूँ गोश्त। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून करके डाल रही हूँ, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे डाल के मैं गोश्त भुनने के लिए दे दिया हूँ और हमारा जो बिरयानी है ये हो गया है। तो यहाँ पे देखिए आज का हमारा ये देखिए खाना बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे ज़्यादा बनाया हूँ, पहली बार बनाया हूँ। तो अभी मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा खाएगा, बताएगा कैसा बना है, कैसा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी खाएंगे। तो पहली बार बनाया हूँ फिर भी अच्छा ही बना है, हस्बैंड को भी पसंद आया है, मेरा बेटा को भी पसंद आया है, बोल रहा कि बहुत ही अच्छा बना है। तो आप लोग भी बना सकते हैं ऐसे करके। और एक बात है, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी ईद मिलाद उन नबी मुबारक हो आप सबको। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग खा रहे हैं। तो कैसा लगा है ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।